Hello students, good morning. Standard 9th maths class में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। उसके कुछ टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे, ठीक है। अबाउट दिस टॉपिक्स हम थोड़ा सा रिवाइंड करें। सो उसमें हमने ऐसे किया था, पी अपॉन क्यू फॉर्म के कुछ डिजिट्स थे, मतलब फ्रैक्शंस थे, उसका डिवीजन करके उसके डेसिमल एक्सपेंशन जो थे वो हमने फाइंड आउट किए थे। डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स आपको पता है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट तक जाते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट तक नहीं जाते तो टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर श्योर पैटर्न में रिपीटेड है या नहीं वो देखना है। अगर रिपीटेड है तो इट इज रिकरिंग, एंड अगर नहीं है देन नॉन रिकरिंग। क्लियर? सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 2 एक गिवन है, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, मतलब ये पैटर्न में रिपीट होते हैं, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 6 डिजिट्स रिपीट होते हैं, वापस 1, 4, 2, 8, 5, 7 आएगा, वापस 1, 4, 2, 8, 5, 7, वापस 1, 4, 2, 8, 5, 7, ऐसा इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। Now, आगे क्या कहा है, क्वेश्चन देखिए। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 है? क्या आप देख बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन इन सब के क्या होंगे? लेकिन आगे बोला है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। जैसा क्वेश्चन बनना हम डिवीजन करके फाइंड आउट करते थे, ऐसा नहीं करना है। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, तो इसके लिए आपको हिंट भी गिवन है, स्टडी द रिमाइंडर्स। स्टडी द रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स हमें स्टडी करने हैं, लेकिन कब? व्हाइल फाइंडिंग 1/7 केयरफुली। जब हम 1/7 फाइंड करते हैं तब उसके रिमाइंडर्स को स्टडी करना है केयरफुली। देखिए मैं यहां पे करता हूं 1/7, यहां पर ऑफ पेज में करना है, सम में नहीं करना है। 1/7, सो सबसे पहले 0 आएगा क्योंकि डिविजिबल नहीं है, तो यहां पे 0 और यहां पे पॉइंट आ जाएगा, सॉरी ऊपर पॉइंट आ जाएगा, यहां पे 0 हम ले सकते हैं। सो अब क्या होगा बताइए, 7 × 7 = 7, 10 − 7 क्या होगा 3, ठीक है। ऊपर से आएगा 0, 7 × 4 = 28, इधर बचेगा 2, वापस 7 0 आएगा, वापस 7 × 2 = 40, 20 − 40 मतलब क्या बचेगा 6। अब फिर से 0, अब क्या होगा, 7 × 56, 7 × 56, 60 − 56 means 4 remains, फिर वापस 0, अब क्या होगा, 7 × 5 = 35, 40 − 35 मतलब क्या होगा 5, ठीक है, वापस आएगा 0, तो अब होगा 7, 7 × 49, अब रिमाइंडर आया 1, वापस आएगा 0, 7 × 7, 10 − 7 = 3, वापस आएगा 0, 7 × 4 = 28, 30 − 28 मतलब 2। अब देखिए मैं यहाँ आगे डिवीजन नहीं करता, अब हमें स्टडी क्या करना है, स्टडी दी रिमाइंडर्स, रिमाइंडर स्टडी करना। देखिए यहाँ पर हमने 1 से स्टार्ट किया था डिवीजन, रिमाइंडर आया 3, 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3। देखिए 1 के बाद वापस 3 आ जाता है, वैसे जैसे ही 1 आ गया उसके बाद 3 आया, 3 के बाद 2, मतलब इसके रिमाइंडर्स की पैटर्न ऐसी होगी 1, 3, 2, 6, 4, 5, वापस 1 आ जाएगा, ये इसकी रिमाइंडर की पैटर्न है। वापस यहां से ऐसे वापस कंटिन्यू होगी 1, 3, 2, 6, 4, 5, ये रिमाइंडर की पैटर्न है, ऊपर की रिपीटेड पैटर्न कुछ अलग है। अब देखिए डिजिट जो है, अब यहां पे देखिए हमें क्या चेक करना है, हमें क्या बताना है, रिमाइंडर्स आंसर में मैं लिख रहा हूं, रिमाइंडर्स व्हेन
वी डिवाइड नंबर 1 बाय 7 आर इन द ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में होते हैं, आर इन द ऑर्डर 1 3 2 6 4 5, वापस 1 3 2 6 4 5, मतलब इस पैटर्न में चल रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ, देखिए 1/7 का आंसर जो आएगा, 1/7 का आंसर क्या है, 0.142857। अब अगर हम 2/7 लेंगे, क्या लेंगे 2/7, तो सम कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, मतलब यहां से नहीं, इस डिजिट से स्टार्ट होगा, 7 2 14 से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 7 2 14 से, मतलब यहां से सम स्टार्ट होगा, बाकी के डिजिट ऐसे ही आएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 से स्टार्ट करो तो 0.28571 and 4 बार, ये होगा 2/7, क्योंकि 2 जब है तब डिवीजन कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, ऐसा मत समझना कि 1 है तो 1 से 2 है, सो 2 है सो 2 से, ऐसा नहीं होता, आगे देखते हैं हम। देयरफॉर 3/7, 3/7 में अगर हम देखें तो 3 कहां पर है, 3 तो ये दूसरा ही है, तो 3 में डिवाइड कहां से स्टार्ट होगा, 7 4 28 से, सो यहां पे हमें 4 से लेना है, 0.428571 बार, राउंड अप भी चलता रहेगा इसमें, इससे मैक्सिमम डिजिट्स हो गए, देख लीजिए रिपीट 6, कल हमने बताया था 7 - 1 6, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, फिर उसके बाद मैं ले रहा हूं 4/7, 4/7 में 4 कहां पर है, 4 यहां पर है, 7 5 35, सो ये 5 से स्टार्ट होता है, सो अगर यहां पे 5 से स्टार्ट करो तो क्या होगा, 0.571428 बाय, हो गया। फिर 5/7, 5/7 में क्या होगा, 5 कहां पर है, 5 यहां पर है, और स्टार्ट कहां से होता है, 7 7 49 से, सो 7 से स्टार्ट होगा, सो ये क्या होगा, बोलिए 0. आप बताइए अभी 7 से स्टार्ट करके 7 1 4 2 8 5 बाय, एंड 6/7 आपको लिखना है, 6/7 में कहां से स्टार्ट होगा वो देख लीजिएगा, 6/7 यहां से स्टार्ट होगा, 6 यहां पर है, 7 8 56, मतलब 8 से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 8 से, सो 0.857142 बार, ठीक है। ये आप लोगों का क्लियर हो गया, ये आपको फेसबुक में ऐसे लिखना है, ठीक है, ये गलत बात है, ये नहीं लिखना है, सो ये सब समझ में आ गया, तो ये सब समझ में आ गया, तो अब हम एक और पैटर्न लेते हैं, वीडियो में थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दूं, अगर वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हो तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हैंड्स फ्री डाल के वीडियो देखना है, ठीक है, ताकि आपको वॉइस का प्रॉब्लम नहीं होगा, वॉइस क्लियर सुनाई देगा, ये आपको फेसबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इससे आगे हम जा रहे हैं, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हम आगे जा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रीवियसली हमने फ्रैक्शन गिवन थे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हम डिवाइड करके करते थे, अब ये इसकी रिवर्स प्रोसेस आई, नई प्रोसेस, एक्सप्रेसली फॉलोइंग इन p / q, डेसिमल गिवन है उसे p / q में कन्वर्ट करना है, लेट p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशंस है, सो अब ये मेथड नहीं है आपके लिए, ऐसा आपने कभी स्टडी नहीं किया, सो स्पेशली ध्यान सबका यहां पे होना चाहिए एक एक चीज में, ठीक है, एकदम इजी है, पूछा भी जा सकता है, आई एम भी समझ रहे, सो सबसे पहले क्या करना है आपको, गिवन नंबर को x अज्यूम कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, आप और कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली x ही अज्यूम करूंगा, 0.6 बार, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, बार निकाल के उसे रिपीटेड फॉर्म में लिखूंगा, बार सिर्फ एक ही डिजिट 6 के ऊपर है, सो 6 रिपीटेड होगा, 6 6 6 6 6 टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट का सिंबल है, और यहां पे मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहां पे मैं क्या बोल दूंगा, इक्वेशन नंबर 1,
क्लियर हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करना है, विथ 10। देखिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, आप बोलोगे सर 10 से क्यों किया, अब वो कैसे डिसाइड करना है वो आपको बता दूं। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीटेड है तो 10 कैसा, अगर दो डिजिट्स रिपीटेड हैं तो 100 के साथ, थ्री डिजिट्स रिपीटेड हैं तो 1000 के साथ, फोर डिजिट्स रिपीटेड है तो 4000 के साथ। मतलब जितने डिजिट्स के ऊपर बार हैं, जितने डिजिट्स रिपीटेड हैं, एक के पीछे उतने जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करें तो इनमें संख्या बनेगा, इधर होगा 10 इंटू एक्स मतलब क्या होगा 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना जितने जीरो होंगे ना उतना पॉइंट राइट साइड कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 6.666665। इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल देना, मल्टीप्लाई पहले x एज्यूम करना है, फिर रिपीटेड फॉर्म में लिखना है उसको इक्वेशन 1, फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं एक के पीछे उतने जीरोस लगा के, फिर दोनों उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 बोल देना है। अब क्या करना है, देखिए टेकिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, हर बार ऐसे ही करना है, इक्वेशन 2 माइनस क्या लेना है इक्वेशन 1, तो LHS में LHS का सब्ट्रैक्शन होगा, RHS में RHS का होगा, LHS क्या है 10x और यहाँ पे x, 10x माइनस x क्या होगा 9x, डायरेक्ट लेना है 9x इक्वल्स टू, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है वो आपको रफ पेज में करना है 6.666665। सब्ट्रैक्शन में आपको पता है पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए पॉइंट, और इधर है जीरो, इधर 6666265, ये हो गया माइनस, देखिए इनफाइनाइट यहाँ पर 6 माइनस 6 0 0 0 0 ये सब 0 0 हो जाएंगे, पॉइंट का पॉइंट 6 माइनस 0 मतलब क्या हो जाएगा 6.0 मतलब क्या होगा 6, तो ये हो गया 9x is equals to 6। अब मैं 9 को उधर लेके जाता हूँ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन, x is equals to 6 upon 9, अब ये कट हो सकता है 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, इसमें से 3 3 का क्या बचा x is equals to 2 upon 3, ये हो गया हमारा p upon q फॉर्म। देखिए x हमारा नंबर था डेसिमल का था, ये कौन सा आ गया p upon q फॉर्म वाला, क्लियर है सबको, समझ में आ गया। चलिए दूसरा सम लेते हैं ताकि ज्यादा बेटर हो, दूसरा सम थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, थोड़ा सा चेंजेस है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, चेंजेस है, इसलिए मैं पहले थर्ड वन लेता हूँ बाद में सेकंड वन लूंगा, थर्ड वन इसके जैसे आएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, यस वेरी गुड, x एज्यूम करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 होल बार, हो गया। अब 0.001 होल बार हो गया तो पहले तो इसे डिफिकल्ट फॉर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.001001001025, और इसे क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, बताइए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ कितने डिजिट्स रिपीटेड हैं 3 डिजिट्स, तो एक के पीछे कितने जीरो आएंगे 3 जीरो, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, ठीक है 1000। अब उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 1000x हो जाएंगे, कितने x हो जाएंगे 1000x इज इक्वल टू, अब इधर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा पॉइंट जो है वो डिजिट्स ट्रांसफर होगा, कितने डिजिट्स ट्रांसफर होगा यहां पे 3 जीरो से, तो 3 डिजिट्स ट्रांसफर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.001001, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब वापस क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखिए क्या होगा 1000x माइनस x क्या होगा 999x, क्या होगा 999x इक्वल्स टू, अभी क्या होगा
यहां पे सबट्रैक्शन करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट ये सारे तो जीरो हो जाएंगे तो 1 माइनस 0 का क्या होगा 1 999 को साइड चेंज करवाओ मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में 1 अपॉन 999 सो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन 999 ये बात नहीं हो सकता सम इज ओवर ये हो गया p अपॉन q फॉर्म समझ में आ गया सबको अब ये सब लास्ट वाला ले लेते हैं लेट x is equals to 0.475 ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स दो है पर रिपीटेड एक ही है 4 के ऊपर बार नहीं है सिर्फ इसके ऊपर बार है 7 के ऊपर तो देखिए यहां पे क्या होगा x is equals to 0.477772 इनफाइनाइट और इसे कह देंगे इक्वेशन 1 सेम प्रोसेस सेम है इसमें टेंशन नहीं लेना है कुछ अलग नहीं है बट यहां पे अगर 474747 करेगा तो उसका वो होगा क्लियर अब आगे मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए आप लोग मल्टीप्लाई बोथ साइड विद कितने डिजिट रिपीट है सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 10 तो चलिए मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे होगा 10x इक्वल टू एक जीरो है तो यहां पे एक ट्रांसफर होगा 4.777772 इनफाइनाइट इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 अब क्या करेंगे टेकिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 टेकिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सो क्या होगा बताइए 10x माइनस x 9x इक्वल टू बाय इक्वल टू अब इसका सबट्रैक्शन में रफ टाइम में मुझे करना पड़ेगा 4.7772 इनफाइनाइट और नीचे है 0.47772 इनफाइनाइट देखिए यहां पर 77 का तो 0 हो जाएगा लेकिन ये 7 माइनस 4 क्या होगा 3 पॉइंट का पॉइंट 4 माइनस 0 का क्या होगा 4 मतलब हुआ 4.3 अब ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहां पे पॉइंट वाला नंबर आया अब तक जो आता था उसमें इंटीजर आ जाता था लेकिन डरना नहीं है ये 4.3 आया इट्स ओके अब 4.3 में से पॉइंट निकाल लो तो ये हो जाएगा 9x is equal to 43 upon 10 बस ये एक स्टेप चेंज हुआ बाकी सब कुछ क्लियर है 9 को उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवीजन में x is equal to 43 upon 9 10 क्या क्या होगा 90 तो ये हो गया p upon q form and sum is over ठीक है सो आज के वीडियो में हम यहां तक रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसके जैसा टेक्स्ट बुक में सम है वो करवाऊंगा और दो तीन एक्स्ट्रा जो है टेक्स्ट बुक में नहीं है वैसे मैं होमवर्क में दूंगा ठीक है इस वीडियो में कोई होमवर्क नहीं है क्लियरली एक बार देख लेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें ठीक है गुड बाय